दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लाडली बहना योजना का जो है आवेदन पंजीयन कैसे करें। तो कल हम बता नहीं पाए थे क्योंकि समय नहीं था, तो अभी हम एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को सीख सकें कि क्या क्या उसमें ऑप्शन आएंगे, आपको भरने में दिक्कत नहीं आए। तो आप अपने मोबाइल से, यदि आपके पास आईडी और पासवर्ड है लॉगिन करके, आप खुद अपने मोबाइल से इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो केवल आपको सिखाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और कुछ ऐसी जानकारी होंगी जो किसी की निजता का हम करती हैं तो हम उसको जो है ब्लॉक कर देंगे। तो आप उस चीज़ को समझ लें, हम बाकी पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। और एक बार फिर से हम आपको जो है जो ऐप है उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो देखने के लिए आप पूरी वीडियो देखें समझने के लिए। तो आपको आपके मोबाइल पे जो लाडली बहना योजना ऐप है ये, तो इसको ओपन करना। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ लिखा है आगे बढ़ें, आप देख पा रहे हैं ये। तो इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ आगे बढ़ गए, इसको ये ओपन हो रहा है। आपका नेट चालू करके रखें, आप गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश विभागीय यूजर हैं और ये ओपन हो रहा है। थोड़ा डाटा आपका शुरू होगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और दोस्तों, हम इसको ऑटो रोटेट करेंगे, अगर ये ऑटो रोटेट हो जाएगा तो आपको ये बड़ा स्क्रीन में दिखाई देगा, नहीं तो ये आपको छोटा स्क्रीन में ही दिखेगा। देखते हैं करके होता है। चलिए, ऑटो रोटेट हो चुका है, ये बड़ा स्क्रीन में आपको दिखाई देगा। अब थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, इसको देखते हैं कितना टाइम लेता है। देख सकते हैं आप, ये ओपन हो चुका है इस प्रकार का। कल भी हमने इंटरफेस बताया था। अब चलिए आपको करते हैं, आपको क्या करना है, कुल दर्ज आवेदन है ये और कुल स्वीकृत आवेदन 0। तो यहाँ लिखा है ये न्यू आवेदन दर्ज करें, तो इस पर आपको क्लिक करना। तो चलिए, हमने इस पर क्लिक कर दिया। कल हमने आपको बता दिया था इंटरफेस, ये आप सदस्य की समग्र आईडी से इसमें कर सकते हैं आवेदन और समग्र की परिवार आईडी से कर सकते हैं। तो यहाँ यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 9 अंक की समग्र आईडी डालना होगी, और समग्र परिवार आईडी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको 8 अंक की डालनी होगी, और ये वाला कैप्चा आपको यहाँ डाल करके आगे बढ़ना आप क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक कर देते हैं अपन, और यहाँ पर आईडी भर देते हैं। हम जो है इस सदस्य की समग्र आईडी से करने वाले हैं, तो यहाँ डालेंगे, यहाँ पे 9 अंक की आईडी हम डाल देते हैं। आपको थोड़ा सा इनविजिबल कर देंगे, आपको आईडी दिखाई नहीं देगी। तो हमने यहाँ पर जो है आईडी डाल दी है, कैप्चा डाल दिया। अब आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने देख सकते हैं आप, इस प्रकार का इंटरफेस खुलने वाला है। ये इंटरफेस खुल गया, ये समग्र के अनुसार जो है इसमें पूरी जानकारी आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं, समग्र आईडी आ गई, सदस्य का नाम आ गया और आयु आ गई यहाँ पे, और ये लिंग आ गया, जन्मतिथि आ गई, ई केवाईसी सत्यापन की स्थिति, ई केवाईसी है लिखा जाएगा। आवेदक का चयन करें अपात्र, ये अपात्र इसलिए क्योंकि इनकी उम्र जो है 73 है, यहाँ पात्र लिखा आ जाएगा। और उसके बाद जो है अब देखें आप, यहाँ लिखा आ रहा अपात्रता का कारण है निर्धारित आयु की सीमा में नहीं है। और फिर उसके बाद है अगला ये कि समग्र आईडी में नाम है, समग्र आईडी इसकी है और सदस्य का नाम आ गया, और उसके बाद वैवाहिक स्थिति आ जाएगी, आयु हो जाएगी, वैवाहिक स्थिति लिंग आ जाएगा, और आवेदित का चयन करने पर यह भी अपात्र आ रहा है क्योंकि ई केवाईसी नहीं है इसकी, और अपात्रता कारण है महिला नहीं है, ई केवाईसी भी नहीं है। अगला है फिर ये आप देख सकते हैं, ये जो सदस्य है इसकी समग्र आईडी आ गई है, ये नाम आ गया सदस्य का, क्योंकि कुछ चीज़ें हम ब्लोर कर देंगे। यहाँ आयु आ रही है, आप देख पा रहे हैं आयु आ गई है, और वैवाहिक स्थिति आ चुकी है, और लिंग आ गया है, जन्मतिथि आ चुकी है, और ई के वाई सी सत्यापित है। यहाँ आप देख सकते हैं आवेदिका का चयन करें, यहाँ टिक लगाना क्योंकि ये पात्र हैं। तो चलिए इस पर हम टिक कर देते हैं, और नीचे कुछ खुलने वाला नहीं है तो यहाँ आपको टिक कर देना है, और ये लिखा आ रहा है पात्र, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े पर आपको क्लिक करना है, आगे बढ़े क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखते हैं, देखते हैं आप आवेदन पत्र और आवेदिका की जानकारी। यहाँ पे आवेदिका की जानकारी पूरी आ जाएगी, आधार कार्ड से फोटो आएगा, जो आधार कार्ड में होगा वो, आवेदिता का नाम आ जाएगा, उसकी आयु आएगी, वैवाहिक स्थिति आएगी, लिंग आ जाएगा, समग्र आईडी, जन्मतिथि आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा कि ई केवाईसी सत्यापित स्थिति है, बैंक के खाते से आधार लिंक है, और क्या आधार में DBT सक्रिय है, ये भी आ जाएगा। हाँ, यानी कि आपको अलग से कुछ नहीं करना है, ये समग्र आईडी के आधार पर जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ आपको महत्वपूर्ण है कि भरना कि आवेदिका की संतान की जानकारी, पुत्र कितने हैं, पुत्री कितनी है, कुल संतान कितनी है। तो अपन नॉर्मली भर के देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं हम किसी का फॉर्म नहीं भर रहे हैं,
केवल आप सीख सकें ताकि आप लोग ही मदद कर सकें। चलिए एक पुत्र डाल देते हैं और एक पुत्री डाल देते हैं, कुल दो संतान हो गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ये एक पुत्री और ये एक पुत्र, ये आप देख सकते हैं दो पुत्र हो गए, एक पुत्र एक पुत्री। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा आ रहा है आगे बढ़ें, इस पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। यहाँ फिर आ गया आवेदन पत्र, आवेदक का स्वघोषणा पत्र, मैं घोषणा करती हूँ मेरे परिवार की। ये आप देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण घोषणाएँ आ रही हैं, ये सारी घोषणा आ रही हैं, इन घोषणा की पूरी होने के बाद ही जो है इनको लाभ मिल पाएगा। तो ये देख लें, ये महत्वपूर्ण है कि मेरे परिवार में की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, मैं स्वयं और मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है, और मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग मंडल उपक्रम स्थानीय निकाय में नियमित संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मेरे स्वयं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर नहीं है। फिर अगला देखें आप, मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ की अधिक भूमि नहीं है, मुझे भारत सरकार राज्य सरकार की किसी भी योजना में प्रतिमा 1000 रुपये या अधिक राशि प्राप्त नहीं हो रही है। मैं स्वयं और मेरे परिवार में कोई भी सदस्य निर्वाचित या मनोनीत जनप्रतिनिधि पंचायत के वार्ड पंच उप सरपंच का छोड़कर नहीं है, यानी कि पंच उप सरपंच हो सकता है। मैं परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद विधायक नहीं है। मैं स्वयं और मेरे परिवार में कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड निगम मंडल उपक्रम के अध्यक्ष संचालक सदस्य नहीं है। तो इन पे सबको टिक करना है, तो चलिए हम टिक कर देते हैं, ये टिक कर दिया और उसके बाद फिर आगे बढ़े पे क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन पत्र और फोटो अपलोड करें। अब आपको जो है ये तो आधार कार्ड से फोटो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर आपको वो महिला को लाना है, उसके समक्ष ही आपको फोटो खींचना है। तो यहाँ खींचने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कैमरा खुल जाएगा, ये हम आपको बता देते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इसकी लोकेशन को ऑन कर देते हैं और इसको बैक करेंगे तो यहाँ फिर से करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये म्यूजिक टाइम पर करते हैं और ये आपका कैमरा खुल गया, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको तुरंत ही फोटो खींचना है। तो हम वापस इसको बैक कर देते हैं और उसके बाद देखें आप क्या यहाँ पर लिखा है, क्या दोनों फ़ोटो एक ही महिला के हैं, हाँ और नहीं पर क्लिक करना, हाँ करना है आपको। उसके बाद फिर निर्देश हैं कि फ़ोटो की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, यानी फ़ोटो से फोटो नहीं लेना, फ़ोटो स्पॉट होनी चाहिए, पासपोर्ट फोटो साइज की होनी चाहिए, जो आप खींचे उसको पासपोर्ट साइज की खींचना है। अब आप देखें नीचे लिखा है मैं मेरे, यानी कि नाम आ जाएगा अधिकारी के द्वारा यह पुष्टि कर ली गई है अभिदिका का सही फ़ोटो लिया गया है और अभिदिका का आधार से प्राप्त एवं खींची गई फ़ोटो अभिदिका का ही है, मैं इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर इसमें जिम्मेदारी मेरी है। और यहाँ पर आपको चेक करना है और ये आप देख सकते हैं, फिर संपर्क जानकारी यहाँ देख सकते हैं आप, ये समग्र आईडिया की जो रजिस्टर्ड है और यहाँ चेक फिर लगाना है इस पर, क्या उपरोक्त मोबाइल नंबर ही व्हाट्सएप नंबर है, ये मोबाइल नंबर है सॉरी समग्र आईडी नहीं है, ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर समग्र आईडी में है और ये सही नंबर है या नहीं यहाँ पर चेक करना है। उसके बाद व्हाट्सएप का मोबाइल नंबर अलग हो तो यहाँ पर आपको फिल करना है और फिर उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं मैं योजना में संदेश व्हाट्सएप के प्राप्त में हेतु सहमति देती हूँ, सहमति दे सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करना, आगे बढ़ने पर सब आगे का फोटो खींचना है तभी आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ये फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों अभी चूंकि हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से करना है, इसलिए हमारे पास फोटो हमने नहीं खींचा, हम केवल आपके एग्जाम्पल की बता रहे थे, उसका क्लिक हो जाएगा और आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों और इससे कोई संबंधित प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ये घोषणा पूरी करना है और भी जो जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि फॉर्म फिलअप होने पर इस प्रकार का पेज आप ओपन होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।